if I'm going to do a job and there is only one positive points and there are 10 negative points. जहां आपके मन में प्रश्न आ गया और आप कन्विंस हो कि इसमें नेगेटिविटी ज्यादा है तो मत करिए. जमीन हमारे यहाँ के सारे दमंग लोग आए हुए थे, लेकिन जैसे उसका नक्शा उठाए, क्योंकि आज हम लोग का पता नहीं था कि हमारे दादा पूर्वज के जमीन कितना है, क्योंकि वो लोग सब दिन हत्याए हुए थे. आज हर महिला से, किसी महिला से भी आप पूछिएगा कि आपका जमीन कितना है, तो हर महिला बताएंगे हमारा इतना हेक्टेयर, इतना बीघा, इतना एकड़ जमीन है. अभी तो बिहार में चुनाव आ रहे हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं. क्यों? इसलिए सर कि चुनाव यदि हम लड़ेंगे तो फिर ये पूरा समाज को हम लेके फिर बढ़िया से नहीं चल पाएंगे. जहां राजनीतिक में आना शुरू हो जाएंगे, राजनीतिक हम लोग करते ही हैं, एक MLA MP बनकर नहीं, ऐसे समाज के साथ. नमस्कार. थोड़ी देर बाद हम इस बात को जानेंगे कि कम या लगभग ना पढ़े लिखे लोग भी जिंदगी में क्या कुछ कर जाते हैं. आज हम एक ऐसे मेहमान को आपको मिलाएंगे जिन्होंने महिला होते हुए, कम पढ़े लिखे होते हुए भी किस प्रकार से समाज को, अपने साथियों को, दूसरी महिलाओं को, सबको अच्छा किया. ये अभी भी एक थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है. अगर आप में से किसी को पता हो भारतवर्ष में लिटरेसी के मायने क्या है संविधान के अनुसार. सर, इफ अ पर्सन इज एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक अ लैंग्वेज, then he is said to be literate. Very right, correct statement, very good. बोल रहे हैं कि जो मनुष्य या औरत अपना नाम लिख सके और अपने नाम को पढ़ सके वो लिटरेट माना जाता है, इस देश में पढ़ा लिखा माना जाता है. कितनी विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है. पिछली सरकारों में दिल्ली में हम लोगों ने काफ़ी बार बात की है, इस परिभाषा को बदलिए, कम से कम कुछ लिखिए कि भाई जो कोई पत्र लिख सके, पढ़ सके, अखबार पढ़ सके, कुछ कर. लेकिन कुछ नहीं. एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है अपने यहाँ, उसके मंत्रियों से कम पिछले 3 मंत्रियों से हम बात किए. पहले तो बोले हाँ ये बात तो गलत है, कब से चला आ रहा है, ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है, अंग्रेजों के ज़माने में परिभाषा लिखी गई वही चली आ रही है. हमारी माँ भी लिख सकती थी, अपना नाम लिख सकती थी, लेकिन वो गीता, महाभारत, रामायण ये पढ़ लेती थी, तो चलो वहाँ तक भी ठीक है. क्योंकि गीता रामायण क्यों पुरानी औरतें पढ़ लेती थी, क्योंकि सुनती रही हैं, सुन सुन के आ गया तो अक्षर को जोड़ जोड़ के उंगली रख के ऐसे ऐसे पढ़ लेंगे. लेकिन कोई नई बात पढ़ सके वो तो नहीं पढ़ सकते थे. तो उन्होंने कहा, मंत्रियों ने, कि साहब अगर मेरे कार्यकाल में अगर ऐसा किया मैंने तो मैं इतिहास में ऐसा मेरा नाम जाएगा कि इनके कार्यकाल में देश में जो शिक्षा का प्रतिशत 75% था वो घट के 48% हो गया. मैं नहीं करूंगा, किसी ने नहीं किया, आज भी वही चल रहा. यहाँ जो आज हम इकट्ठा हुए, आज इस बात पर विषय में चर्चा करने के लिए हुए कि सक्सेस का संबंध पॉजिटिविटी से क्या है. इज पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, डज इट हेल्प टू बी मोर सक्सेसफुल? So if we have positive attitude and we are failing in our attempts, then we can analyze ourselves and do हम लोग फिर से मेहनत करके आगे अचीव कर सकते हैं अपने गोल को. अगर हम लोग का नेगेटिव एटीट्यूड है तो हम लोग हर हार से और हतोत्साहित होंगे और पीछे आ जाएंगे. चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन सक्सेस के मायने क्या? आप कामयाबी किस चीज़ को मानते हैं? सर, हम जो गोल सेट करते हैं और वो अचीव करते हैं तो हम मानते हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए. ओके, वेरी गुड. अपने गोल को अचीव करना वो सक्सेसफुल है, सक्सेस के मायने है. और क्या मायने हैं सक्सेस के? मेरे लिए सक्सेस वो है अगर हम अपने बॉडी और माइंड को जितना सबसे ज़्यादा यूज कर सके इस लाइफ में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें, इसी को मैं सक्सेस मानूंगा. चलिए, बड़ी अच्छी बात है. सर, फॉर मी सक्सेस इज गुड हेल्थ. सक्सेस आपके मायने गुड हेल्थ के हैं.
चलिए ठीक है सर. इफ यू आर इमोशनली फिजिकली एंड मेंटली हैप्पी एंड यू आर इंस्पिरेशनल फॉर अदर्स एंड यू आर रोल मॉडल देन यू आर सक्सेसफुल आई थिंक सो. अच्छा ओके सर. आई वांट टू से दैट इफ यू आर हैप्पी व्हाट आर यू डूइंग सो आई थिंक यू आर सक्सेसफुल. अब मान लीजिए हम ये बात को माने कि अगर आप 100% किसी भी उद्देश्य को लेके कामयाब होते हैं उसको सक्सेस कहेंगे. जो भी इच्छा हो आपकी 100% खुश हैं, कभी भी दुख नहीं आता है, जिस गोल को उठाते हैं उसको पूरी तरह से निभाते हैं, 100% निभाते हैं, नहीं क्या कहेंगे आप बताइए. सर फॉर मी व्हेन पॉजिटिविटी विंस ओवर नेगेटिविटी दैट इज सक्सेस फॉर मी. वेरी गुड. सक्सेस मीन्स अचीव द गोल एंड अपने समाज के लोगों को खुश रखना सबसे बड़ी सक्सेस है. नो वंडर दिस कंट्री इज प्रोग्रेसिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड आवर पीपल हैव. आप क्या कहते हैं, सक्सेस कैसे अचीव की जा सकती है, ये अगला प्रश्न. जब हम अपने माता पिता का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के योग्य हो गए देन सक्सेस. तब सक्सेसफुल हो गए. चलिए फिर आगे सक्सेस कैसे अचीव की जाए. सर वन सेंटेंस, सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस. सो बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज तजुर्बे से सक्सेस मिल सकती है. जी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हार्ड वर्किंग. पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हार्ड वर्क. और क्या, विल पावर डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू आवर वर्क. Then we can be successful. Willpower, dedication, and determination, sir. And determination. सभी कुछ जोड़ दिया आपने, कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं. ये सब चीजें एक साथ हो सकती है एक इंसान में. Yes, sir. We have to try, sir. हाँ, try तो ठीक है, हो सकती है क्या? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, very good. हाँ. Sir, success can be get from by motivation and hard work, sir. जी. Success can be achieved through criticism. How will take the criticism can be positive or negative, but how will take and how will execute, that is a way to achieve success. देखिए जितनी भी बातें आपने की, criticism लेना, परिवार का support लेना, failure से सीखना, कुछ चीज़ों में आपने active action की बात की, उसको अगर एक दो तराजुओं में डालें, जितनी भी बातें हमने की, एक निकलेगा hard work, एक निकलेगा एटीट्यूड. जितनी बातें हमने की, कई चीज़ें आती हैं एटीट्यूड की वजह से. लेकिन फिर भी अगर आप देखिए, एक किसी के पास कागज़ पेंसिल हैं, ज़रा लिखिए, ए टू जेड लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे करके लिखिए. ए के नीचे एक नंबर लिखिए, बी के नीचे दो नंबर लिखिए, सी में तीन, ऐसे करते करते लिखते जाइए. अब उसके बाद आप लिखिए मोटिवेशन. आपने कहीं ना कहा ना, मोटिवेशन अगर होगा तो अच्छा होगा. हार्ड वर्क, किसी का जोड़ सो नहीं मिल पाएगा. हार्ड वर्क और उसमें ऊपर के जो अक्षर के नीचे लिखे गए हैं ए टू जेड में, उसको लिखिए. एच के, एच का कितना नंबर, हाँ ऐसे करके लिखिए. ए का एक, हार्डवर्क का कितना नंबर आया, 98 आया. हार्डवर्क का जोड़ आया 98. और उसके बाद लिखिए एटीट्यूड. एटीट्यूड का जोड़ आएगा सिस्टर 100. सो इट इज़ अवर एटीट्यूड जो कि हमको या तो सक्सेस दिला सकता है या नहीं दिला सकता. और सक्सेस के माने जो काम करें 100% करें. 100% रिजल्ट आया तो सक्सेस, 98% आया तो आज के दिन तो एडमिशन 97% वालों को भी नहीं मिल पाता है बड़े कॉलेजों में. बहुत से सवाल मेरे पास मेल्स आती हैं, चिट्ठियां आती हैं, लोग लिखते हैं कि 70% जितने भी अगर मैं चिट्ठियों का एनालिसिस करूं, एक वीक में लगभग 2000 के करीब ईमेल मुझे मिलती है कि मैं एमबीए किया हूं, नौकरी करने लगे थे, कामयाबी नहीं मिला, ठीक से नहीं कर पाया, नौकरी से निकाल दिया गया. अपना बिजनेस शुरू किया था, उसमें कुछ पैसे की कमी रह गई तो नहीं कर पाया.
पिताजी का सपोर्ट नहीं है, पिताजी बहुत डांटते हैं, नहीं कामयाब हो पाया, तो मेरा एक ही कहना रहता है सबसे, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपना एटीट्यूड बदलिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, तो आधी समस्याएं आपकी पहले दूर हो जाएंगी। आज अभी एक देखते हैं, एक शोरील जिन्होंने, जिस व्यक्ति ने मुझे लिखा, कुछ जवाब उनको दिया, उनको कैसे, उनको कामयाबी मिली कि नहीं, जरा देखें शोरील में। फरीदाबाद के रहने वाले कपिल ढींगरा एक नामी बैंक में मैनेजर की नौकरी करते हैं। सोचने पर किसी को भी उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगे, लेकिन कुछ महीनों पहले तक कपिल अपने करियर को लेकर काफी कंफ्यूज थे, और इसी कंफ्यूजन के दौर में उन्होंने डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो देखने की शुरुआत की। डॉक्टर सुभाष चंद्रा की एडवाइस से मुझे सबसे बेटर चीज जो मिली, तो वो विदाउट कंफ्यूजिंग, विदाउट डाइवर्टिंग, मुझे अपने काम में फोकस करने को एक मोटिवेशन मिली, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा है। अभी तो सिर्फ आई थिंक इट इज अबाउट 9-10 मंथ्स ओल्ड, मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर या नवंबर में इनसे डिस्कशन किया था, तो मुझे लगता है कि अभी तो देर आर एक्स्ट्रा माइल्स आर लेफ्ट टू बी कवर्ड, तो अभी तो सिर्फ उनकी एडवाइस के बाद अभी 8 महीने हुए, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। विचारों में स्पष्टता तो शो देखने के बाद आने लगी थी, लेकिन बेहतर मार्गदर्शन के लिए कपिल ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा को एक ईमेल के जरिए अपनी सारी परेशानियां बयान कर दी। जवाब आया और कपिल को यकीन हो चला कि अब उनकी जिंदगी एक सही दिशा में चल पड़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद हम लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, इंडियंस के लिए समय निकाल रहे हैं। आपके माइंड में कोई डाउट है, करियर काउंसलिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, आप जाएंगे रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस में फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो आपको फी चार्ज करेंगे, और फी चार्ज करने के बाद आपको वही जवाब देंगे। उससे मच बेटर जवाब डॉक्टर सुभाष चंद्रा देते हैं, बिकॉज ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड। आज जिंदगी की कठिनाइयों का हल ढूंढना कपिल के लिए आसान हो गया है, और वो इसका श्रेय डॉक्टर चंद्रा को देते हैं। I have seen that के एपिसोड को देखने के बाद कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली मुझसे रिलेटेड नहीं है, मेरे करियर से या मेरी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बट जैसे वो और कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने एपिसोड्स में उनको गाइडेंस देते हैं, तो उनसे भी अगर उन रूल्स को भी हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, जनरल डे टू डे लाइफ में, वी गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। जिंदगी के मुश्किल सफर में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो सफलता के शिखर तक पहुंचना आसान हो जाता है, और हमें यकीन है कि कपिल एक दिन उस शिखर पर फतह करके ही दम लेंगे। इस तरह का एटीट्यूड आपने देखा, एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो जाए तो सोने में सुहागा। पॉजिटिव एटीट्यूड के मायने पूरी थिंकिंग आपकी पॉजिटिव हो जाती, बदल जाती है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म, ये सब पॉजिटिविटी से आ जाते हैं। और आज जो मैं जया जी को यहाँ बुलाऊंगा, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब इन्होंने होश भी नहीं संभाला था कि इनकी माँ का देहांत हो गया, पिता का तो उनको पता भी नहीं, जो इनके बायोलॉजिकल फादर थे, किसी दूसरी फोस्टर माँ ने इनको पाला पोसा, एकदम यंग थे, 12-13-14 वर्ष के, 3 सहेलियाँ साथ में रहती थी, साथ जाती थी, साथ आती थी, तीनों अलग अलग बैकग्राउंड की, जात बिरादरी की, लेकिन प्यार है आपस में, तो तीनों बहनों की तरह से रहती थी। लेकिन इनके इलाके में दबंगइयों का राज, दबंगइयों की इतनी ताकत, वहाँ की पुलिस भी उनसे डरे, 12 साल की बच्ची को पसंद आ गई उनको तो उठा के ले जाते, 12-13 वर्ष की शादी में माँ बाप इस डर से बच्ची की शादी कर देते थे कि कोई दबंगई नहीं तो उठा के ले जाएगा, और फिर उनकी दबंगइयों की नज़र इन तीनों पर, सहेलियों पर पड़ी,
इनके एक सहेली के माता पिता तो दिल्ली पलायन कर गए, दूसरे बेचारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, कहीं जाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर इन्होंने देखा अपनी आँखों से कि जो दोस्त दूसरी सहेली बची थी उनके बाप ने 80 रुपये कर्जा सिर्फ लिया था दबंगइयों से, कैसे भी करके वो लोग उनके पिता ने, उस लड़की के पिता ने 80 रुपये लौटा भी दिया, तो फिर भी उन्होंने वो पर्ची नहीं फाड़ी जिसके ऊपर उनके हस्ताक्षर थे, उनके दस्तखत थे, और 6 महीने के अंदर, 8 महीने, 2 महीने, साल के अंदर उनके लड़के के पास पहुंच गए कि देखो तुम्हारे बाप ने मेरे से 80 रुपया कर्जा लिया था, अब उसका 20,000 रुपया बन गया है, हमको दो, पूरा परिवार हमारे यहाँ आके खेतों में काम करो, गुलामी करो। और इनकी आंखों के सामने उन्होंने उस लड़की को, इनकी सहेली को अपने कंधे पर डाल के उठा करके ले गए। और कितनी कब की बात ये, 1997, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कोई 40-50 वर्ष पुरानी बात हो। और उनका कहना जया जी का कि मेरे सामने उसके साथ बलात्कार किया गया, खेत में खुले में, उस लड़की के साथ खुले में, गांव के लोग देखते रहे, किसी ने कुछ देखा नहीं, जैसे फिल्मों में होता है। तब इन्होंने कहा कि हम ये तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, ऐसा नहीं रहेंगे। ऐसे जया जी को मैं आमंत्रित करता हूं आज आपके सामने। अकेले जब चले आप, जरूर बहुत डर लगा होगा, बहुत लोगों ने डराया धमकाया होगा, और आज आपके पास अपने परिवार के अलावा कम से कम 10-15 हज़ार लोग आपने इकट्ठे कर लिए, उनको स्वाभिमान दे दिया, उनको जीने की राह दिखा दी, कैसे किया आपने ये सब? सबसे पहले हम अपने ईश्वर और गुरु को धन्यवाद देते हैं, साथ साथ आप लोग को भी प्रणाम नमस्कार। देखिए हमारे क्षेत्र के समस्या क्या थे कि दबंगी राज, दबंग के विषय में आप लोग तो जानते ही होंगे कि दबंगी क्या करते हैं। हमारे यहाँ के दबंग क्या कर रहे थे कि किसी का बेटी पुतौ है, बेटी पुतौ आपका है रख रहे थे वो लोग, किसी का खेत है, खेत आपका है, लेकिन खेत मतलब मेहनत आप कर रहे हैं उसमें फसल लगाए आप, लेकिन काटते वो लोग थे। किसी को 100 रुपया कर्ज दिए, सूद मुड़ जोड़ के 20,000 रुपया बनाते थे, 20,000 रुपया दो ने तो पूरे बाल बच्चे चलो हरवाही खटने के लिए, हरवाही भी खटो बेटी पुतौ है तो वो रख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं था कि रख भी रहे हैं तो जिंदगी निभा दे, तब ना खिलौना के जैसे खेल लिए और छोड़ दिए। इनकी जो दूसरी सहेली थी उसके साथ यही हुआ, जिसको इनके सामने, इनका इनकी आंखों के सामने उन्होंने बलात्कार किया, वो माँ बाप दूसरे गांव में ले गए उसको, दूसरे गांव में उसका शादी किए, लेकिन शादी करते उसके पति को पता लगा कि ऐसा इसके साथ हो चुका है, उस पति ने छोड़ दिया उसको। देखिए मनुष्य कहाँ, कितना क्रूरता हम लोगों में, हम आदमियों में, भाई उस लड़की का क्या कसूर, लेकिन उसके पति ने छोड़ दिया उसको, वो कहीं और कहीं जाके दूसरे पति से शादी की उसकी लड़की की, उसने भी, उसको पता लगा तो उसने छोड़ दिया, अब वो तीसरा पति उसका हुआ जिसके साथ वो रह रही है, और आई होप खुश है वो अपने तीसरे पति के साथ। जी अभी तो खुश है वो जी, उनके साथ में 2 बच्चे भी अभी हो गए उसका। अच्छा बहुत अच्छा, तो उसके बाद आपने ये 10,000 लोगों को कैसे इकट्ठा किया? जब औसा औसा चीज जब देखे अपनी आंख के सामने में, तो हमारा भी शादी 12 साल के उम्र में देखते हुए, 12 साल के उम्र में शादी कर दिया माँ पिताजी एक मजदूर पति के साथ, मतलब कि 12 साल के तो उस टाइम वो 25 साल के, मजबूरी ही उनके पास भी वही थे, लेकिन उस टाइम हमने ठाने कि हम अपने जिंदगी इस तरीका से नहीं बर्बाद, जब हमारा जिंदगी इस तरीका से होगा तो फिर आने वाले लोग के ऐसा नहीं हो, उसके लिए क्या करना है। फिर हम आपस अपने मायके आए, तो उस टाइम नाइट्रो डैम में हमारे यहाँ मिशनरी मतलब एक डिस्पेंसरी खोल के वो लोग रखे हैं दवाखाना, हम दवा लेने के लिए उसके यहाँ गए, तो उस मतलब अच्छा से वो हमसे पूछा कि बेटा बताओ क्या हुआ, तो उस टाइम बताया कि हम लोग अपनी बीमारी से बीमार नहीं रहते हैं, लेकिन गांव के हालात देख के बीमार रहते हैं, इसके लिए बताइए क्या करना। उन्होंने ये मतलब हमें ज्ञान दिए कि तुम लोग समूह बना, आप लोग पिक्चर में देखते होंगे कि जैसे आज हम लोग नेपाल के बॉर्डर के विषय में कहते हैं कि हिंदुस्तानी उधर है पाकिस्तानी इधर है, बीच में लड़ाई हो रहा है, उसी तरीका से हम लोग के यहाँ झंडा गड़ाया जाता था,
और झंडा के बीच में कि आपके पास ताकत है तो यदि आपका वर्चस्व चलेगा, हमारे पास ताकत होगा तो हमारा वर्चस्व चलेगा। उन लोग के पास हथियार, हम लोग के पास सिर्फ लाठी डंडा, फिर भी हम लोग ही जूते थे क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड। उनके पास हथियार होते हुए भी हम जीतेंगे ये भावना से एकजुट होकर काम करते। उसके बाद समस्या तो आते रहे, ऐसा नहीं कि जब उस क्षेत्र में काम करना शुरू किए, क्योंकि हमारा क्षेत्र हम लोग कहते भी अपने गांव के चारों बगल जंगलवा, बीच में बंगलवा, मतलब चारों बगल पहाड़ है, बीच में हम लोग का गांव है। समस्या तो आते रहे लेकिन हम कभी ऐसा नहीं समझे कि हमारे लिए कोई समस्या है ना हमारे लिए कोई चुनौती है। जो भी समस्या हमारे साथ आए वो हमेशा आगे अवसर बन के ही आते गए। फिर हमारे बीच में गुरुजी हमारे मतलब अभी साथ में ही हमारे साथ में, आज उनके गुरुजी भी उनके साथ हैं। फिर उस बीच में हम गुरुजी से मदद लिए कि सर हम लोग कैसे अपने गांव के समस्या को हल कर सकते हैं, इतना दूर तक तो हम लोग पहुंचे हैं, उसके लिए फिर आगे और कैसे हम क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या किए, 10-10 महिला, 20-20 महिला को फिर अलग अलग करके एक समूह बना लिए। समूह बना के उसमें हम लोग 5 रुपया का हफ्ता, 20 रुपया का महीना बचत करना शुरू किया। तो पहले तो ये लोग दबंगइयों से जीते इकट्ठा होके, उसके बाद इन्होंने समझा कि दूसरी समस्या क्या, महाजन ब्याज देता था, जो लोग दबंगइयों के कब्जे में ही रहते थे, चंगुल में रहते थे महाजन लोग भी, वो 5 रुपये वो कर्जा जो देते थे उसका 20,000 बना देते थे 100 का, उनका चंगुल से कैसा निकला जाए। तो इन्होंने बचत करना शुरू किया, महिलाओं को इकट्ठा करके कहा 5 रुपया 10 रुपया बचाओ। आज इनके जितने भी ग्रुप हैं उसमें किसी के पास 3 लाख, किसी के पास 5 लाख, किसी के पास 7 लाख जमा है और सब लोग अपना स्वाभिमान से जी रहे हैं। उसके बाद फिर तीसरा कौन सा आपका दुश्मन? तीसरा हमारे यहाँ फिर शिक्षा के, जो कहते हैं कि जिस गांव जिस देश शिक्षित नहीं है उस गांव उस देश विकसित नहीं होता है। बिना शिक्षा के विकास नहीं। फिर शिक्षा के लिए हम लोग अपने गांव में सबसे पहले बहुत सारे युवक लोग के हम लोग चुने कि भाई कौन कितना तक 8वां कितना पढ़ाए हैं, कोई 7वां पढ़े हुए हैं, कोई मैट्रिक किए हुए हैं, तो उन लोग के चुन के उन लोग को समझाएं कि भाई आप कम से कम जो कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं कम से कम उसको भी तो 1 से 20 तक आप पूरा जानकारी दे सकते हैं, आप अपना काम करते हुए थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। फिर उन्होंने उन लोग दिए, फिर कॉपी किताब कहाँ से आएंगे। फिर हम लोग शहर वाले लोग से मांग किए कि आप जो 1 से 10 तक पढ़ाई करते हैं आप कॉपी किताब जो कि 2 रुपया किलो पर आप बेच देते हैं या कहीं मतलब आप फेंक देते हैं जला देते हैं वो हम लोग के बच्चे के दे दीजिए ताकि हमारे बच्चा भी पढ़ेंगे तो आपका नाम लेंगे। गांव वाले शहर वाले लोग भी हम लोग को मदद। इससे सीखने को हमको क्या मिलता है, मुझे जो सीखने को मिला इनकी बात से कि पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आपके बीच में जो अड़चने आएंगी समस्याएं आएंगी पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो उसका हल भी ध्यान में आएगा जी। और आगे चौथा दुश्मन कौन? हम लोग का सबसे बड़ा क्या कि हमारे यहाँ बीमारी है, हम लोग ये भी देखते थे कि हमारे यहाँ का पैसा क्या चीज पर ज्यादा खर्च हो रहा है। फिर हम लोग का बीमारी पर ज्यादा खर्च हो रहे थे। फिर हम लोग बीमारी से कैसे कौन से सीजन में कौन से बीमारी होता है फिर हम लोग आपस में उसको बैठ के हम लोग भाई इस सीजन में यदि आज अगस्त है तो अगस्त के सीजन में हमारे यहाँ ज्यादा करके डायरिया और मलेरिया का अति होता है उससे कैसे बचेंगे। उसके लिए हम लोग घरेलू मतलब कि गांव के जड़ी बूटी के द्वारा या तो हल्का फल्का दवाई के द्वारा उसका मतलब हम लोग अथी किए। और उसके बाद पांचवा हमारे यहाँ आ गए सबसे बड़ा समस्या पानी का। जब पानी का समस्या आए फिर हम लोग गुरु जी के साथ में बैठ के क्योंकि समस्या उस टाइम पानी के विषय में कैसे हमें समझ में आए कि उस टाइम हम पामारोजा के खेती किए थे, पहले अश्वगंधा के किए, लेमन ग्रास के किए, उसके बाद उसमें कम पैसा के लागत लगाए, कम पैसा किसी में 40,000 किसी में 50,000 लगा, तो हमें ऐसा महसूस हम लोग को नहीं हुआ। जब पामा रोजा के खेती किए तो उसमें हम लोग सामूहिक खेती किए जिसमें कि 2,40,000 रुपया लागत लगाए, फिर उसमें हम लोग फैल हो गए, फिर देखे कि हम लोग फैल काहे हुए, इतना इतना पूंजी लगाए फिर हम इसमें फैल कैसे हुए। फिर हम लोग आपस में बैठ के इसको जब ध्यान दिए तो पानी की समस्या, तो पानी के लिए क्या करना है। फिर हम अपने गुरुजी से मदद लिए तो गुरुजी बताए कि पैंचा उसी का मिलता है जिसका कि घर में गेहूं सूखता है।
तुम्हें मदद तभी मिलेगा जब तुम खुद से चलकर दिखाएगी। तो क्या करना है, तुम लोग जब इतना आदमी हो ही तो तुम लोग सबसे पहले खुद से शर्मदान क्यों नहीं करती। तो इन्होंने क्या किया, देखिए पहले इन्होंने बताया कि चारों तरफ पहाड़, बीच में गांव, पहाड़ पर बारिश होती, पानी आया, पानी नीचे आया, बह गया। गुरुजी की प्रेरणा मिली, सबने मिलके श्रमदान किया, जगह जगह उन पानियों को रोका, उससे पानी का वाटर टेबल भी गया, फसल के लिए भी पानी मिला और बहुत खुशहाली मिली। जब श्रमदान हम लोग किए तो एक आहार बनाए, उसमें किसान मतलब दो गांव तीन गांव मिला मिला के हम लोग श्रमदान किए। जब श्रमदान किए तो एक गांव के जब हम लोग पानी को देखे, किसान वहां के दो फसल लिए तो किसान और खुशी होने लगा कि भाई हम थोड़ा सा मेहनत किए, हम दो फसल लिए और मेहनत करेंगे तो कितना फसल ले सकते हैं। थोड़ा सा मदद कहीं ना कहीं से लिया, ज्यादातर काम खुद किया और मेहनत किया, उससे सब जगह चीज निकली। आज ये लोग पर्यावरण की सोच रहे हैं अपने इलाके में, आज 10 से 15 हजार लोग इनके साथ हैं, इनके पीछे हैं। तभी मैं इनसे कह रहा था, मैं इनसे कह रहा था कि अभी तो बिहार में चुनाव आ रहे हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं। उन्होंने ये कह रहे नहीं लड़ेंगे, क्यों? इसलिए सर कि चुनाव यदि हम लड़ेंगे तो फिर ये पूरा समाज को हम लेके फिर बढ़िया से नहीं चल पाएंगे। जहां राजनीतिक में आना शुरू हो जाएंगे, राजनीतिक हम लोग करते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई राजनीति तो बिहार का हर व्यक्ति करता है, करता है लेकिन लेकिन हम लोग क्या है कि एक एमएलए एमपी बनकर नहीं, ऐसे समाज के साथ में, क्योंकि उसका साथ जैसे आए तो राजनीतिक क्या नहीं करते, उनका भी तो काम वही है, वही वो कहते हैं कि हम करते हैं समाज वो की सेवा। कहते हैं कि करते हैं, आज हम लोग उसका यदि लेते हैं तो क्या है कि आज हम एक वाटर सेट के लेते हैं, वाटर सेट से आप यदि फायदा उसके विषय में पूछिएगा तो आज हर किसान हम बता रहे थे इनकी जमीन हमारे यहाँ के सारे दमंग लोग हत्याए हुए थे, लेकिन जैसे उसका नक्शा उठाए, क्योंकि आज हम लोग का पता नहीं था कि हमारे दादा पूर्वज की जमीन कितना है, क्योंकि वो लोग सब दिन हत्याए हुए थे, लेकिन जैसे नक्शा हम लोग उठाए, जमीन पर हम लोग नक्शा बनवाते हैं कि भाई किसका मौजा कौन मौजा में। आज हर महिला से, किसी महिला से भी आप पूछिएगा कि आपका जमीन कितना है तो हर महिला बताएंगे कि फलाना मौजा नंबर इतना, रकबा नंबर इतना, खसरा नंबर इतना में हमारा इतना हेक्टेयर, इतना बीघा, इतना एकड़ जमीन है। पहले हमारे यहाँ के क्या होता था कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसी को एक पता रहता था कि नक्शा क्या होता है, जमीन कितना होता है, कितना रकबा होता है, कितना मौजा होता है, कितना थाना नंबर, इसलिए वो चोरी कर देते थे, इसलिए झूठा बताते थे। आज सरकारी अथी को लीजिएगा तो क्या है कि आज हम लोग काम जहाँ हम 5,000 में करके दिखाते हैं वहाँ उसका काम होता है 5,00,000 में, क्योंकि ऊपर से नीचे तक उसका बना हुआ रहता है पगड़ी। हम लोग में क्या है कि करप्शन है बहुत जी, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। कितने गांव अभी आपके साथ में है? जी हमारे गांव में अभी हमारे साथ कहिएगा तो धरारा कोल में करीब 13 पंचायत है, जिसमें कि हर पंचायत तो हमारे साथ है। जो समूह के विषय में बताएं 300 से ऊपर हमारे पास समूह है, हर समूह में 10 से 20 महिला, 10 से 20 पुरुष। आज हमें कोई भी ऐसा चीज का जरूरत पड़ता है तो हमें सरकार की भरोसा बैठे हुए नहीं रहते हैं। Very हम लोग हर चीज श्रमदान के लिए जाते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कम से कम ये देखिए आज 1998 से अब तक, यानी 12 और 5 17 वर्ष, 17 सालों में आपने इतना सब कुछ किया कि सभी चीजों से मुक्ति लोगों को दिलाई है, ऐसी एक ये पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें सोचने की भावना से आपने, आप यहाँ आए आज हमारे दर्शकों से, इन युवाओं से बातचीत किया, उनको प्रेरित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत आभार है। आगे चलें, उससे पहले यदि कोई प्रश्न है तो आपके पूछे। कैसे संभव है जब 25-26 साल में हम लगातार वहीं देख रहे हैं, चारों तरफ निगेटिव है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, एजुकेशन फेल है, तो सपोर्टिव इन्वायरमेंट कहाँ मिल रहा है कि हम यूथ पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं? मैं पिछले हफ्ते भी ये बात कही है कि सबसे पहले तो आपको बिहार को खास करके जातिवाद से उठ के पहले अपना चुनाव में भाग लेना चाहिए।
मैं आज यहाँ सुबह आ रहा था यहाँ आने के लिए, मुझे बताया गया कि ये पुल जो पटना के पास निकल के आता है तो उसमें कभी कभी तो 6-6, 8-8 घंटा लग जाता है, और नाम है उसका महात्मा गांधी सेतु। 10 साल से बोल रहे हैं कि ऐसा ही पड़ा है, और नाम लिए बिना मैं कहूँगा कि मुझे बताया गया कि वो मैं तो साहब बिहार का भी पुरुष हूँ। अगर पुरुष का यही है तो देखे साहब ये तो अच्छा नहीं। फिर भी मैं आपकी बात का जवाब ये दूंगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो जैसा जया जी ने बताया वैसा आप कर पाएंगे। वो अगर कर पाएंगे तो यू विल बी हैप्पी इरेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। पिछले 3-4 वर्षों से हर साल केंद्र से जो बिहार को मिलता है वो 40,000-41,000 करोड़ रुपया साल का मिलता है, और गुजरात जैसी सरकार राज्य को ये पिछले साल भी 17,000 करोड़ रुपया मिला। कहाँ गुजरात है और कहाँ आपका बिहार है, तो बहुत फर्क है साहब। देश की जो एवरेज जो जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं कि एक आदमी की कमाई कितनी साल की, भारत का एवरेज है 72,000 रुपया, 72,000 रुपीज। बिहार का है 37,000 रुपया। लिटरेसी रेट आपके यहाँ 61.8%, जबकि भारत का एवरेज है 73%। पर कैपिटा इनकम 30,930 रुपया, 2012-13 का ये है, सोर्स है बिहार इकोनॉमिक सर्वे, उसका सोर्स भी लिख लीजिए। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 12-13 का 71,593 रुपये, यानी भारत के एवरेज से आपका 40% है पर कैपिटा इनकम। और ये खैर अभी तो बढ़ गया, देश का 88,533 हो गया है, ये राज्यसभा में किसी ने रिप्लाई दिया उसके आंकड़ों से हमने लिया। परंतु नेगेटिव एटीट्यूड रखने से तो ये आप ठीक नहीं कर पाएंगे, एटीट्यूड तो पॉजिटिव रखेंगे तभी बदलाव आएगा, तभी लोग बदल सकेंगे, जैसे जया जी ने बदला। देखिए कई बार आप लोग भी ट्रेन में सफर किए होंगे और बच्चा रोने लगता है, 5 साल का बच्चा है रोने लगा, माँ और बाप क्या कहते हैं, नहीं नहीं बच्चा रुक जा, वो पूछता कि मामी कितनी देर में स्टेशन आएगा, घर कितनी देर में आएगा, अभी 10 मिनट में आ जाएगा। वो नहीं कहती कि 2 घंटा लगेगा अभी, क्यों कहती है, क्यों 10 मिनट में आ जाएगा, तो इसलिए वो धाड़स बन जाता है, उसलिए चुप हो जाता है बच्चा। तो मन में विश्वास जो वो चीज़ पॉजिटिविटी उस तरह से आती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये सब में बड़ी बात छुपी हुई है। आपके बिहार में इतना पोटेंशियल है इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, अगर थोड़ा ठीक से अगर सब लोग एकजुट होकर काम करें और सरकार में ठीक लोगों को चुन के भेजें, तो 5 पिलर हैं टूरिज्म के, उसमें से 3 आपके पास बिहार में हैं। रूरल टूरिज्म आपके पास है, इको टूरिज्म आपके पास है, हेरिटेज टूरिज्म आपके पास है। सर एक्चुअली आई वांट टू नो, डू यू स्टिल हैव एनी अनफुलफिल्ड गोल और एम्बिशन इन योर लाइफ? मेरा ऐसा मानना है कि मैंने अपने आप को इवॉल्व किया है, मैं समझता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अब जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ, जया जी की स्टोरी सुनी, आप लोगों की सुनी, आपके प्रश्न सुने, उनसे मुझे सीखने को मिलता है, तब मुझे पता लगता है कि अभी पूरा नहीं जानता हूँ, फुलफिलमेंट होना बाकी है। लेकिन ऐसा नहीं सोचता हूँ कि अरे ये नहीं हुआ अभी क्या होगा आगे, ऐसा नहीं सोचता हूँ। प्रेजेंट में रहते हुए अपने आप को इवॉल्व करो, आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे। इफ यू आर गोइंग टू डू अ जॉब एंड फॉर एवरी जॉब देयर इज वन सम नेगेटिव थिंग्स, सम नेगेटिव पॉइंट्स एंड सम पॉजिटिव पॉइंट्स, व्हाट इफ आई एम गोइंग टू डू अ जॉब एंड देयर इज वन ओनली वन पॉजिटिव पॉइंट्स एंड देयर आर 10 नेगेटिव पॉइंट्स। जहां आपके मन में प्रश्न आ गया कि ये जॉब में नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, वो बट नेगेटिव इज मोर ना सर। हाँ आपने कहा कि नेगेटिव ज्यादा हैं और पॉजिटिव कम है, तो वो करूं कि ना करूं, यही प्रश्न है ना? यस सर। बिल्कुल मत करिए। जहां आपके मन में प्रश्न आ गया और आप कन्विंस हो कि इसमें नेगेटिविटी ज्यादा है तो मत करिए,
पैसा देने वाले तो आपको और बहुत मिल जाएंगे, वो कहेगा बेटा अच्छा ऐसा करो ये गांजा का ये 2 किलो का लो, वो गांव में दे देना, आपको 10,000 रुपया दे देंगे हम, पर आपको पता है कि इसे गलत है। जब आपको खुद को पता, देखिए अच्छाई बुराई का आपके अंदर सब पैमाना लगा हुआ है, कोई बाहर पूछने का जरूरत नहीं है। सर लीडरशिप इज अ मेजर स्किल वन विच वन शुड हैव। सर देर आर मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप और स्टाइल ऑफ लीडरशिप, व्हाट स्टाइल ऑफ लीडरशिप डू यू सजेस्ट टू अस? लीडरशिप की क्वालिटी जो मेन तो ये होती है कि आप यू लीड बाय द एग्जांपल। इस पे एक मेरे को ध्यान में आती बात, एक महिला के बेटे को मीठा खाने की आदत ज़्यादा थी, उससे बीमार रहता था वो, तो वो एक गुरु के पास महात्मा के पास लेके गई। उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरा बेटा मीठा ज़्यादा खाता है, बीमार रहता है, तो इसको ज़रा समझाइए। उसने कहा मैया तुम आना 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद फिर गए, उनका नहीं 5 दिन बाद आना। पर दूसरी बार गए तो उसने बच्चे को बैठा के समझाया, बच्चा मान गया, उसके बाद मीठा खाना छोड़ दिए। वो फिर गई गुरु के पास कि आपने 2 बार बुलाया, पहले 2 बार में क्यों नहीं कहा उसको? उसने कहा बेटा तब मैं भी मीठा खाता था। ये लीडर की क्वालिटी है। चलिए इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।